बॉर्डर बनी हुई है, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। की तरफ से भी ऐसा है, कई साड़ी इस तरफ से बीच तरफ से एंड ऐसा बनेगा। वही गोटा पत्ती का काम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, दिसंबर मंथ में मैं अभी वेडिंग से रिलेटेड और न्यू ईयर से रिलेटेड आउटफिट्स, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हूँ, और उसी सीरीज़ में आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी वेडिंग से रिलेटेड बहुत ही सुंदर आउटफिट्स जो मैंने बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए अमेज़ॉन पे। मैं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा ना हो कि सो लगे आपको, सब बेस्ट लगे। तो बस शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं दिखाती हूँ कि आप वेडिंग में किस टाइप की ड्रेसेस पहन सकते हो, और अभी क्या न्यू है अमेज़ॉन पर। एंड यस, अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, तो आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे, 50-80% तक आपको डिस्काउंट मिलेंगे उसमें। तो आप ज़रूर सारी मेरी लिंक्स चेक करिएगा, प्लस ये सेल ज़रूर चेक करिएगा इस दौरान, अगर आपने लिया तो बढ़िया वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। तो जल्दी से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको लहंगा दिखाती हूँ जो कि मुझे पहली बार में बहुत पसंद आया था, और वो है स्काई ब्लू कलर में। दिस इज विमेन चिनॉन सेमी स्टिच्ड लहंगा, और बहुत ही सुंदर ये लहंगा आया। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। इसमें ग्रीन कलर का लहंगा था, वो तो मुझे इतना बढ़िया लग रहा था ना, बट वो किसी मतलब वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं नहीं उसको ले पाई। सो मैंने ये वाला ऑप्ट किया, और ये लहंगा भी बहुत सुंदर आया। ये स्काई ब्लू कलर में है, इसमें गोटा पत्ती का काम किया है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, और नीचे की तरफ से इसमें इस तरीके से बॉर्डर बनी हुई है, और ये जो बॉर्डर पे वर्क है ये भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन में है। इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा भी आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो नीचे की तरफ है ना कैन लगा हुआ है, ताकि एक अच्छा सा फ्लो आए पहनने में। बहुत ज़्यादा फ्लैरी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, परफेक्ट है, जैसा हमको चाहिए रहता है वैसा है। बस एक ही चीज़ मुझे लगी कि इसके अंदर जो अस्तर लगा है ना, वो एकदम कॉटन का लगा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा पतला सा बारीक सा है, थोड़ा अच्छा और अंदर अगर लाइनिंग लगाते तो बेस्ट होता। बाकी तो सब तरफ से ठीक है। चेन वगैरह यहाँ दी है ना, आपको यहाँ से बस स्टिच कराना पड़ेगा। बाकी पूरा जो है ये लहंगा स्टिच्ड है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं है। बहुत ही सुंदर लगा यार ये लहंगा, मैंने सोचा नहीं था इतना सुंदर आएगा। और इसके साथ जो ब्लाउज़ के लिए आपको पीस दिया है, वो भी इसी टाइप में मटेरियल में है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मटेरियल है ये। ऐसा आपको ब्लाउज़ पीस आएगा जिसमें आपको ये गोटा लगा हुआ आएगा, आप स्लीव्स में या फिर नेक में लगवा सकते हैं। नाउ इसका जो दुपट्टा है यार, बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे तो देख के मज़ा आ गया इस दुपट्टे को। जब मैंने इसे खोला था, अनबॉक्स किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लग रहा था कब शेयर करूँ आप सभी से। सो ये एकदम ब्लड रेड कलर में दुपट्टा है, एंड इसमें ऐसे कॉर्नर तरफ से ऐसे लेस लगी हुई है, मतलब वही गोटा पत्ती का काम है। इसमें बीच बीच में बूटे बने हुए हैं, वही गोटा पत्ती वाले। बहुत ही सुंदर दुपट्टा है ये, इसकी विड्थ बहुत अच्छी है। ये देखिए, इसकी विड्थ बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, पूरा भी स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से, और लेंथ भी बहुत अच्छी है इस दुपट्टे की। तो ये जब आप बनवा के पहनोगे ना, तो बहुत ही एलिगेंट लगेगा, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो अभी जो मैंने आपको ब्लू वाला दिखाया है, वो आप रिसेप्शन वगैरह में पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगने वाला है। और जैसे कि एंगेजमेंट वगैरह होती है, और भी फंक्शंस होते हैं ना वेडिंग के, तो उसमें पहनने के हिसाब से मैंने एक और लहंगा सिलेक्ट किया है, जो कि है ब्लू कलर में। आई टेल यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। इसमें इस टाइप से जो आपको नीचे स्कर्ट आएगा, वो आएगा इस टाइप से। इसमें जरी का वर्क है, इसमें सितारे लगे हैं, एंड यस ये भी यहाँ से पूरा स्टिच्ड है, केवल आपको ऊपर की तरफ, ये तो पूरा ही स्टिच्ड है यार, इसमें तो आपको कुछ भी स्टिच नहीं करवाना। तो सेमी स्टिच में ये काफ़ी फ़ायदा है, केवल आपको टॉप जो है उसको स्टिच कराना रहेगा, बाकी ये तो पूरा स्टिच्ड है। बहुत ही प्यारा और खूब फ्लैरी है ये, बहुत ही सुंदर, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप उसको एंगेजमेंट वगैरह पहन सकते हो, और रिसेप्शन भी पहन सकते हो। इसका ब्लाउज पीस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका इस टाइप से ब्लाउज पीस आएगा, जिसमें वही जरी का वर्क है विथ लाइनिंग है, और इसकी जो लाइनिंग है ये बहुत ही अच्छी आई है, साटन में है, क्योंकि
अच्छे मोटे कपड़े में है और स्लीव्स के लिए भी आपको ऐसा पूरा नेट दिया हुआ है ना। ये बहुत सुंदर, ये आई थिंक ऐसा आएगा बनने के बाद, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और इसका जो दुपट्टा है वो है नेट का, उसमें पूरे में बॉर्डर लगी हुई है, जरी का काम है जिस पर, और विड्थ भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है इस दुपट्टे की। सो ये दोनों जो मैंने आपको लहंगे दिखाए, आई मीन ये ब्लू वाला भी, मतलब दोनों ब्लू वाले, ये तो मस्ट बाय हैं, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिए। ये कलर्स में चाहिए तो ये, नहीं तो इसमें तो आई डोंट थिंक इसमें और कोई कलर है, बट इसमें बहुत सारे आपको कलर्स मिलेंगे, सो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट करिएगा ज़रूर। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और लहंगा, तीन मैंने लहंगे सिलेक्ट किए थे। सो ये है पीच कलर का लहंगा, पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर है, और इसमें से चेन स्टिच स्टिचिंग या एम्ब्रॉयडरी क्या बोलते हैं वो है की हुई, बहुत ही अच्छे से, बहुत बहुत परफेक्ट तरीके से की हुई है, ऐसे रफ टाइप की नहीं है। और सबसे पहले आपको मैं स्कर्ट दिखाती हूँ। सो ये है सेमी स्टिच्ड लहंगा, इसमें आपको लहंगे को स्टिच कराना रहेगा साइड से भी, ये पूरा ऐसा खुला हुआ है। इसकी लाइनिंग देखिए बहुत परफेक्ट आई है, बहुत अच्छा इसके अंदर का क्लॉथ है, वही साटन में है। यस, ये देखिए इस टाइप से ये पीच कलर में है, नीचे की तरफ से भी ऐसा है, बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लैरी है और पैसा वसूल टाइप का पूरा ड्रेस है। इसमें आपको टॉप भी, मतलब ऊपर ब्लाउज बनाने के लिए भी आएगा, किसी भी तरीके का आप ब्लाउज बनवा सकते हो। तो ऐसा ये पूरा नेट आएगा आपको, एंड इसमें लाइनिंग भी आपको दी हुई है। सो ये हो गई स्कर्ट की बात, अब मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा, एंड दुपट्टा इज ऑल्सो अमेजिंग यार, बहुत सुंदर है ये देखिए आप, नेट में पूरा काम किया हुआ है, बीच में भी पूरा काम है, विड्थ भी बहुत अच्छी है, लेंथ भी बहुत अच्छी है। सो ये तीनों जो लहंगे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। नाउ मैंने लिए हैं मोजड़ी, जिसे हम बोलते हैं जूतियाँ, और मैंने ऐसे लिए हैं कि जो सारे आउटफिट्स में चल जाए, मतलब मिसमैच्ड लग रहा है ऐसा कुछ ना लगे। तो इस टाइप से गोल्डन एंड ब्लैक में मैंने ये मोजड़ी ली है, ये आप देखिए कितनी सुंदर है, इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। एंड जैसा मैंने सोचा था ना कि मोजड़ी में अक्सर जो सोल होता है वो थोड़ा सा ऐसा हल्का सा होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसका सोल देखिए आप, इसमें स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, देख रहे हो ना आप, स्पोर्ट्स लिखा है। ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ये अंदर से भी काफ़ी अच्छी है, कुशनी है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। एंड इसमें आपको और भी मतलब डिज़ाइंस मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ऑप्ट किया जो मुझे लगा कि सब में चल जाए, और यस थोड़ा सा ये सामने की तरफ से उठती है तो बहुत प्यारी लगती है। सो मोजड़ी तो होनी ही चाहिए, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में मोजड़ी बहुत काम आती हैं। एंड नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये जो मैं पहनी हुई हूँ, उसमें है कुर्ता, इसमें गोटा पत्ती का काम किया हुआ है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर, नेक पीछे की तरफ भी पूरे में गोटा पत्ती लगी हुई है। इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है, ये देखिए आप, लहरिया वाला दुपट्टा है इसका, अच्छी लेंथ का दुपट्टा है, और ये है शिफॉन मटेरियल में। इसके साथ जो स्कर्ट है उसका क्लॉथ भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे से बॉर्डर बनी है और काफ़ी फ्लैरी है। तो ओवरऑल ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, अवेलेबल ही नहीं था ये साइट पर, जब अवेलेबल हुआ तो फट से मैंने इसको ले लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक साड़ी, जो कि कई लोगों को लगता है ना कि देखिए मैंने लहंगे भी दिखा दिए आपको, ये स्कर्ट कुर्ता भी दिखा दिया, अगर आपको लहंगे नहीं पहनना तो ये भी आप पहन सकते हो। नाउ साड़ी की बात कर लेते हैं, तो साड़ी अगर आप पहनना चाहते हो, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये आई है इस तरह से, एंड ये बैग में आई है। नाउ दिस इज अ सिल्क साड़ी, और इसका कलर है मैजेंटा, और इसमें जरी का पूरा ऐसा काम किया हुआ है पूरी साड़ी में। ये साड़ी मुझे बहुत क्लासी लगी, और इस टाइप की साड़ियाँ कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, कभी भी फैशन से नहीं जाती हैं, हमेशा फैशन में इन होती हैं। इस टाइप की साड़ी लेना
जैसे कहते हैं ना, सही इन्वेस्टमेंट होता है पैसे का। और जैसा मैं ये सूट पहनी हूँ, सेम ये भी, क्योंकि ये एथनिक वेयर है, जयपुरी पैटर्न में ये कुर्ता और स्कर्ट है। तो इस टाइप के जो कुर्ता स्कर्ट है, ये कभी भी फैशन से नहीं जाते हैं, हमेशा फैशन में इन होते हैं। तो देखिए, अब मैं साड़ी की बात कर लूँ तो ये साड़ी जो है, ये इस टाइप की मैजेंटा कलर में है, बहुत ही प्यारी लगी है मुझे। या सो ये हो गई साड़ी इस तरफ से, बीच तरफ से, एंड दिस इज द पल्लू साइड। देख रहे हो ना आप कितना अच्छा इसमें वर्क है। सो बेसिकली ये है बनारसी सिल्क साड़ी, इसका ब्लाउज पीस ये है, ठीक है। सो जैसा मैंने इमेज में देखा था, एज इट इज ये साड़ी आई है विथ ब्लाउज पीस। मटेरियल भी इसका बिल्कुल मस्त, एकदम बढ़िया सा मटेरियल है, पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगने वाली है। सो ये डेफिनेटली आप लोग ट्राई करिएगा, और इसमें और भी आपको कलर्स मिलेंगे, बट ये वाला मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वेडिंग में इस टाइप का कलर बहुत अच्छा लगता है, एंड इसका पल्लू प्लस इसका पैटर्न सब बहुत ही अच्छा है। सो ये मस्ट बाय है, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये वाली साड़ी। तो ये सेलर का ही आपको मैं लिंक दूंगी, और आप उससे चेक करिएगा सारी लिंक्स, राइट। सो इसी साड़ी के साथ मैं इस वीडियो को एंड भी करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सारी ड्रेसेस जो मैंने सिलेक्ट करके स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेडिंग के हिसाब से, तो अच्छा लगा होगा सब कुछ। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा इतना सा भी, तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, यानी कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।